सोसाइटी का थोड़ा ऐसे ही है ना, अभी इसमें क्लोरीन डाला हुआ है। आप सभी भाइयों को सुबह की राम ना, होप करता हूँ सब भाई बहन अपना घर पे बहुत मस्त मजे में रह रहेंगे। तो अभी फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 8:29 और मैं देख लो मैं और टैली भाई हैं। तो भाई मैं तुम्हें बता दूँ, मैंने परसों का और कल के ब्लॉग में मेरी 2 बार स्ट्राइक आ चुकी थी, येल्लो पता नहीं क्या था, पार्शियली ब्लॉक्ड बता रहा था। अभी भाई येल्लो ऐसा आ गया, येल्लो रेस्ट्रिक्ट वाला, तो भाई उसमें जैसे अटेंशन दे रहे हो कुछ कि तुम्हारा वही ख़त्म कर देंगे। मैंने कहा इसी चक्कर में मैंने 2 दिन मेरा व्लॉग ही नहीं डाला, तो भाई इसी के लिए मैं आपको सॉरी मांगता हूँ। तो पता नहीं यूट्यूब वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो भाई आज की वीडियो पूरी यूट्यूब वालों के ऊपर ही है। फिलहाल मैं और टैली तो घूम रहे थे, अपना ऐसे ही घूम नहीं रहे थे, मतलब अभी खेल के आए थे। पीछे तुमने बैट टंगा हुआ देख लिया, बैट का बैग टंगा हुआ देख लिया। और भाई तुम्हें मैं एक बार चेक करा देता हूँ, ये देख रहे हो ये वाला कलर देख लो, ये वाला कलर है ना, और ये वाला कलर तुम अंदर भी देखोगे, ये टेंट है, हरा कलर हो गया भाई। भाई अपने सोसाइटी का थोड़ा ऐसे ही है ना, अभी इसमें क्लोरीन डला हुआ है, जब इसमें क्लोरीन होकर एकदम सेट हो जाएगा ना, तब पता है पानी ऐसा हो जाएगा बिल्कुल नीला, है ना भाई। हाँ भाई, सही भाइयों को सुबह गिरा। चलो भाई चलते हैं, अब अपना घर पे चलते हैं और फिर मिलता हूँ मैं तुम्हें घर पे जाते हैं। भाई साहब हमारे घर आ चुके हैं गमले वाले भैया, गमले लगाने, और मम्मी जी की वजह से सारे गमले सूख गए हमारे, लो देख लो। हमने पानी क्या नहीं डाला भाई, देख लो कितने गमले लगवाए, अब 5 गमले लगवा दिए, और जो मतलब सूख गए हैं भाई वो हमने निकलवा दिए बाहर, ये देख लो। और इन ये दो भैया आए हैं लगाने, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे आ जाते हैं ना घूमने घामने। और ये रे भैया कहाँ से आए हो तुम, सिक रोड से आए हो, जो नर्सरी सिक रोड में, श्री राम हाइट्स, अच्छा अच्छे उधर कोने की तरफ। लो भाई देख लो, एक तो ये रहा, 2, 3, 4, ये 5 के 5 पेड़ है, इनमें से ये ऐसे लग रहा है जैसे पहले भी है सेम ही, और क्या अलग अलग तरीके के लगवाए हैं क्या, जो सूख गए ना वो लगाए। चलो भाई मिलता हूँ, चल 1, 2, 3 कुछ नहीं हो सकता, चलो भाई चल तू चल, कोई बात नहीं, ले भाई एक, अगर हार जाऊं तो वीडियो डिलीट कर, ओके भाई, ओके भाई, तुम्हें मैं खुद ही बता दूंगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, मैं हारने से पहले और किसी के जीतने से पहले मैं बंद कर दूंगा ब्लॉग। चल भाई चल, ले भाई सुदाम का मुंह देख लो, आर्यन का मुंह देख लो, आर्यन ने कलाई मोड़ी, शिट कलाई नहीं मोड़ी, हार गया तू, कलाई मोड़ी है, ये ब्लॉग डिलीट नहीं होगा, कुछ भी डिलीट नहीं होगा, नो कॉम्प्रोमाइज, ये भी लाइन में आनी चाहिए कि भाई ब्लॉग डिलीट वाले, हां नो इफ नो बट ओनली अभिषेक के फटाफट। चलो भाई कोई बात नहीं, हम मजा आ जाएगा। अभी टाइम हो रहा है 6:05 है, और तुम्हारा भाई आज सुबह से नहाया नहीं है। अपना गेट खोलते हैं, बाहर का नजारा कुछ ऐसा होता है जो कि 6 बजने, वाह भाई साहब, भाई एकदम हवा चल रही है एकदम तगड़ी, जिसे कहते हैं भाई, लो मौसम देख रहे हैं एक बार कितनी कैडी हवा चल रही है, और भाई नीचे ब्लॉक्स भी घूम रहे हैं, तो मैं सोच रहा मुझे भी नीचे जाया जाए। भाई अरमान को मैंने नीचे बुलाया, भाई सच्ची में सच्ची सच्ची बताऊं, इतनी चिल्ड चिल्ड हवा चल रही है, बिल्कुल ठंडी ठंडी हसी कर रहा है, हाय भाई कहीं घूमने चले जाओ ऐसे टाइम पर। तो चलो कोई नहीं, तुम्हें बेसब्री से इंतजार हुआ कि मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा, ट्रिप बनाते हैं, प्लान बनाते हैं भाई, प्लान बार बार चौपट हो जाते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई ये देख लो, मम्मी जी ने जो आज गमले लगवाए थे, पेड़ पौधे बस वही हैं ये, और भाई वहाँ पे देख लो आज बच्चे कितने खेल रहे हैं, जब से मैंने स्टार्ट कर दिया खेलना बच्चे सारे उधर ही आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भैया आएंगे, और भाई जैसे मैं नीचे चले जाता हूँ वैसे बोलने, मतलब बोलते हैं भैया मुझे भी ले लो ब्लॉग में, मुझे भी ले, तो भाई मुझे बहुत प्यारा लगता है भाई, लव यू ब्रदर। जो भी जोन से मेरे वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं वो मेरे ब्लॉग देखते हैं। लो भाई मैं चलता हूँ नीचे, फिर मिलता हूँ। तो भाई बड़ी बड़ी घासों में कुत्ते अपने मौज मार रहे हैं, भाई ये पार्क कुत्तों के लिए ही बना है, लो देख लो, है ना, देख लो अरमान भाई को खेलना खालना आता है नहीं, और देखो कैसे मारेगा शॉट, देख लो कैसे मार रहा है अरमान, अब इसका गेम प्ले देख लो, बहुत ही बकवास गुरु जिसे बोलते हैं। अरे ये रहा भाई अक्षत, अक्षत के साथ खेल रहा था, लेकिन अक्षत नहीं है ब्रदर, अबे तो भाई जब जिस दिन तू अपने ये सीख जाएगा कि मैं अपने आलस को या फिर मैं अपने कुछ ऐसे कुछ जगह को मार रहा हूँ भाई, उस दिन ही तू कामयाब होने स्टार्ट हो जाएगा, ये बात को लिख दे भाई, इस चीज को ट्राई भाई, ऐसे बहुत लोग होते हैं बहुत ही भाई, तो उस चीज को समझो थोड़ा, कि जो अपने आलस को मार नहीं पाते, सुबह उठ नहीं पाते जल्दी से भाई, जिस दिन तो सुबह उठना सीख जाएगा उस दिन तो कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज का आज है, आप उठते हो, बता कब नहीं उठता, वही तो कह रहा है, कब नहीं उठता मुझे बता दे तू, कब नहीं उठता मैं भाई, मैं हमेशा उठता हूँ, अरमान भाई को डेली कॉल करता हूँ कि अरमान भाई चलोगे,
अरमान भाई का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर मैं दोबारे कॉल करता हूँ, अरमान भाई चलोगे? अरमान भाई फोन ही नहीं उठाते यार, सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है। जबकि अरमान मेरा फोन डेली देख लेता है। जब मैं सुबह खेलने जाता हूँ ना, अरमान मैं जब भी फोन करता हूँ, अरमान, श्रेष, सुदामा, तोमर तो डेली मिलता होगा, मतलब आ जाता है टाइम टू टाइम। तो तोमर आ जाता है और टैली आ जाता है और मैं आ जाता हूँ, बस तीन ही खेलते हैं हम रेगुलर। तो भाई फिर अरमान भाई को कॉल दिख जाती है कि चलो अक्षय की कॉल आ रही है, अरमान भाई तब भी रिस्पॉन्स नहीं करते। अबे यार तुझे पता है ना क्या होने सुबह सुबह? भाई तो मैंने क्या समझाया अभी तुझे? आलस भगाओ, तभी तुम आके काम वो कर। आलस भगाओ, यहाँ के जिम में काम नहीं चले रात को आके है क्या? नीचे करूँ? अच्छा नीचे कर लेता हूँ, चलो कोई बात नहीं, कभी सी गल गल मैं वो लटक जाऊँ। भाई मैं अभी रेगुलर 4 मैच खेल रहा हूँ बैडमिंटन के, चारों में आ रहा है। चार भाई इधर देखियो, तेरे जैसे को एक बार तुझे हराया, ठीक, एक बार उस लड़के को हराया जो भाई तू रेगुलर प्लेयर है, चला जो अच्छा खेलता है। पहले मेरी बात सुन, जो अच्छा खेलता है उसे हराया, जो तू है उसे हराया, और जो उसके साथ एक लड़का था, तीन जने को हराया और दो मैच में मैं हार गया। क्या करें यार, अब हार यार थोड़ा और अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा तब करता हूँ। अभी पहले इसकी प्लेट नीचे करवाता हूँ। तू टक्कर दिया, टक्कर भाई तुम अब मुझे ये बता दो कि 10-1 से कौन सी टक्कर होती है? भाई ने 10-2 का स्कोर दिया मुझे और कह रहा भाई मैंने तुझे पूरी टक्कर दी है। तो ऐसी टक्कर को ना अरमान अपनी जेब में रखा कर, ठीक है ना? तो अभी हम चलते हैं बाहर घूमने, भी तोमर का फोन भी आया, पता नहीं कहाँ रह गया, कह रहा भाई आऊंगा। तो अरमान भाई आज देने वाला मुझे दावत। अरमान भाई दावत है आज। चलो भाई यार आज अरमान की दावत दे रहा, तो मिलते हैं तुम्हें ऊपर जाके जब। तो भाई देख लो इसकी हो रखी है, अभी सफाई हो रखी है, मतलब होने वाली है, देख लो। वैसे तो क्लियर पानी है लेकिन वैसे ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें डला हुआ है क्लोरीन। तो जब तक भाई इसमें दवाई ववाई नहीं डलेगी तब तक कैसा काम चलेगा? मुझे लग रहा है कल सुबह तक एकदम क्लीन हो जाएगा, फिर शाम को हम जैसे बच्चे नहाएंगे, हम जैसे छोटे बच्चे नहाएंगे। क्या हो गया भाई? चल भाई गुस्सा क्यों होता है? गुस्सा नहीं, तू बदनाम कर रहा है मुझे। तुझे बदनाम कर रहा हूँ मैं? अब बदनाम थोड़ी करता हूँ। लो भाई मौसम, लो भाई क्या कह दी कभी ना भाई साहब, तो सच्ची में झकास मौसम हो रहा है अरमान। तो अभी हम ऐसे घूम रहे हैं तुम्हारे उबला बला भाई, ऊपर देखा तो ऊपर भी मौसम, इधर देख रहा हूँ तो इधर। भाई एक बार पूरी अपडेट ले लो मौसम की, कैसा हो रहा कैसा ना भाई, यार हर जगह झकास मौसम दिख रहा आज तो। बस ये अरमान गलती से आ जाता है। तो भाई मिलता हूँ मैं तुम्हारे थोड़ी देर। क्या भाई? यूट्यूब चैनल माई नेम इज जाट ब्लॉग 77, सब्सक्राइब ठोक देना ठीक है, शेयर भी कर देना। तो भाई मिलता हूँ, तो मैं थोड़ा राउंड लगा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो गाइस फिलहाल तो अभी स्टडी टाइम चल रहा है, ये देख लो भाई, और ये रही अपने अकाउंट की बुक। भाई अगर तुम 12th क्लास में अगर अकाउंट स्टार्टिंग से नहीं करते चलोगे तो भाई आगे जाके बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। भाई अकाउंट ऐसी चीज़ है जो तुम्हें स्टार्टिंग से बिल्कुल लेकर चलनी होगी, तभी इतनी सारी बुक हो पाएगी। तो गाइस मैं तुम्हें लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ अपने स्विमिंग पूल की। तो भाई स्विमिंग पूल खुल रहा है, मतलब कि कल शाम से मतलब रेगुलरली खुल जाएगा। अभी उसमें वैसे अब तो पूरा प्रॉपर तरीके से बिल्कुल रेडी हो गया, लेकिन भाई उसका जो पानी हो रखा है ना, पानी कुछ इस तरीके का हो रखा है, वैसे तुमने देख लिया होगा, तो इसलिए भाई उन्होंने बोल दिया पानी ब्लू हो जाएगा कल शाम तक। तो कल शाम से एकदम रेगुलर 6 बजे से एकदम बढ़िया तरीके से चलेगा। मैंने कहा चलो अब हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम भी शाम से आ जाएंगे। वैसे कल सुबह देखते हैं किधर चलते हैं किधर नहीं, सुबह 7 बजे उठूँगा फिर चलता हूँ मैं स्विमिंग पूल, जाऊँगा कल सुबह भी। तो आज के व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और आई होप करता हूँ कि आप सभी को व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा सबसे पहला काम क्या होता है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। रात वाली